हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में, नई चैट विद मास्टर्स में। जैसे आप जानते हैं, इसका ये थर्ड एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमारे साथ शंकर सर थे, उससे पहले समीर सर थे, और मैंने आप लोगों से एक ये वादा किया हुआ है, इसके साथ में हम ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जिनके साथ आप कुछ सीख सके नया, जो बहुत कुछ सीख सके नया, और मार्केट के बारे में आपकी पूरी ज्ञान वृद्धि हो, और वो लोग ऐसे हों जो दिल से बात करते हों, सोच वाले हों हमारी तरह से। ऐसा नहीं है कुछ भी आए बोल दिए। तो उसी सीरीज में हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं केला सर, मधु केला सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और मैं बता दूं इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप हमेशा इनको टीवी पे देखते रहते हैं, जानते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम दिया। तो सर मैं सबसे पहले आपसे आज जो है स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक ये कि हमारे इंडिया के बारे में, स्पेशली इंडिया के बारे में आज की डेट में आप क्या सोचते हैं। जैसे मैं जानता हूँ आप पॉजिटिव इंसान हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, मैं पहले से जानता हूँ आपको काफी। तो इंडिया के बारे में जो ये सरकार कर रही है उसके बारे में, जो पहले की सरकारों ने किया उसके बारे में, आज हमारा इंडिया किस जगह पे खड़ा है, 60,000 के आसपास सेंसेस हो चुका है, तो इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली आपकी क्या राय है सर, मैं उससे स्टार्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा शेयर करें। सुनील जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए। इट्स अ रियल प्लेजर टू बी हियर। सर, इंडिया का बेसिकली अगर आप देखो तो दिस कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड इन स्पाइट ऑफ एनी गवर्नमेंट और एनी पॉलिसीज, बिकॉज इसका जो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है ना सर, दैट एंटरप्रेन्योरशिप इन द माइंड्स ऑफ पीपल, दैट इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ यंग पॉपुलेशन, द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ अनलिमिटेड डिमांड फॉर मेनी थिंग्स, बिकॉज इतनी बड़ी 140 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन है, बराबर ना, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है अगर आप देखो कहीं पे भी, तो आप यहाँ पे जितना रुपया चाहो उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप देखिएगा 1992 से जो लिबरलाइजेशन चालू हुआ, उस समय हमारी जीडीपी थी कुछ $200 बिलियन या $150 बिलियन, या अभी हो गए हम अराउंड $3 ट्रिलियन। तो हमने पिछले 30 साल के अंदर अपनी जीडीपी मिनिमम 15 गुना कर दी, तो प्रोग्रेस तो काफी हुआ है। एंड मैं ये बोलूंगा हर सरकार ने अपनी अपनी तरीके से काम किया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी कुछ बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे उस समय उन्होंने नंदन नीलकेनी को बुला के ये एक आईडी कर दिया, जब भी आपको आधार कार्ड मिल गया, वो प्रोजेक्ट तो तभी चालू हुआ था। पर मैं ये बोलूंगा कि लास्ट 6 साल में बहुत सारे जो अनएड्रेस्ड इशू थे, कुछ सोशल इशूज थे, कुछ इकोनॉमिक इशूज थे, मोदी गवर्नमेंट ने आके उनको बहुत अच्छी प्रकार से एक्सेलरेट किया है, थिंग जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे स्वच्छ भारत है, सबको पता है कि हम ओपन सैनिटाइजेशन ये कंट्री में चल रहा था, पर आप सोचो हम वैसे ही अगर कैरी ऑन करते रहते तो 10-20 साल बाद इस देश की क्या हालत होती, राइट? बिल्कुल राइट। जैसे पुराना जो सब्सिडी का सिस्टम था, जिसमें आपने बोला कि भाई सब्सिडी तो जा रही है, अब वो किसको जा रही है, कौन चोरी कर रहा है? राजीव गांधी खुद ने बोला था कि 85% ऑफ द मनी जो वेलफेयर के लिए मेंट होता है वो पिलफरेज हो जाता है। पर अगर मैंने 30 करोड़ जनधन के अकाउंट खोल दिए और वो 30 करोड़ अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, तो पैसा डायरेक्ट जा रहा है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप, जैसे फेसलेस हो गया, इतना ज्यादा हरेसमेंट होता था डिपार्टमेंट में लोगों का, अब फेसलेस हो गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे थोड़ी हो सकता है टेम्परेरी परेशानी होगी, पर मुझे लगता है इट इज वेल वर्थ इट। तो सुनील जी, ऐसे बहुत सारे कदम सरकार ने पिछले 6-7 साल में लिए हैं जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा। जैसे GST है, जैसे बैंकरप्सी कोड है, फाइनली ये पिछले 6 साल के अंदर ही सब पॉसिबल हुआ है। अब इसके हिकअप जो होते हैं ना, जब भी कभी आप जैसे नी रिप्लेसमेंट कराते हो तो पहले दिन से आप दौड़ने नहीं लग जाते हो, आपको 15 दिन लगता है, डॉक्टर भी बोलता है भाई नी को पहले सेटल हो जाने दो। तो अभी ये हमारा नी सेटल हो रहा है, 1-2 साल लगेगा, ये फार रीचिंग चेंजेस है, पर इसके बाद वो पेन चला जाएगा। तो इसकी वजह से जो पेन था, और मुझे लगता है और बहुत सारी रिफॉर्म्स ना अभी होगी या होनी बाकी है। तो फ्रॉम अ इंडिया परस्पेक्टिव मैं जो एक चीज जो मॉनिटर कर रहा हूँ ना, कि सरकार के पास बड़ा पैसा कैसे आवे, ताकि उनको फिस्कल डेफिसिट के लिए वरी नहीं करना है। तो बड़ा पैसा तो दो ही तरीके से आ सकता है,
या तो आप टैक्स बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, या आपके जो अनप्रोडक्टिव एसेट है उनको बेचो, या थोड़ा लेस प्रोडक्टिव एसेट है उनको बेचो। तो आई एम प्लीज कि सरकार ने अनाउंस किया 6,00,000 करोड़ रुपए का एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, राइट। और डिसइन्वेस्टमेंट का भी हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि फाइनली एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। तो अगर ये दो चीज को मैं कंबाइन करूं, और आप इमेजिन करो कि अगर सरकार के पास अगले 5-7 साल के अंदर ये 10-12 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा एसेट मोनेटाइजेशन करके और एसेट पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट करके, इससे एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो एसेट्स हैं दे आर अंडर यूटिलाइज, दे कैन डेफिनेटली बी बेटर यूटिलाइज बाय प्राइवेट सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बराबर। एंड प्लस ये सरकार के हाथ में ये जो पैसा आएगा इससे जो लोगों का एक लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, दैट विल बी द मेन थिंग फॉर इंडिया, सो दैट इंटायर 130 करोड़ पीपुल कैन पार्टिसिपेट एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 10,000 people or 1,00,000 people were there in the stock market. बिल्कुल। तो सर जैसे बहुत सारे लोग, मतलब थोड़े से लोग वैसे तो बोल रहे हैं इस तरह की बात कि हम एक ना इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं, ज्यादा लोगों को तो ऐसा लगता है नॉर्मल है, चलो ठीक है जीडीपी बढ़ जाएगी, कभी थोड़ी घट जाएगी, कभी हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आप जैसे समझदार जो कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है इंडिया इस समय, जहां से हम एक बहुत बड़ा चेंज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है अभी हम ना 60,000 जो है इंडेक्स के ऊपर हैं, यहाँ पे कई लोगों को थोड़ी डर भी लगता है, घबराहट भी है कि यहाँ से पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और अगर ये सब कुछ ऐसे ही है जैसे इंडिया चलता रहा है हमेशा से तो ये फिर नीचे आ जाएगा कल को। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाली जो बात है कि हम ऐसी जगह पे हैं जहां से हमारी बहुत ऊंची फ्लाइट जानी है, इस कैंप में है सर आप या क्या सोचते हैं इस बारे में? सर 100% वही कैंप में हूं सुनील जी, जहां पे मुझे लगता है ऊंची फ्लाइट जानी है, इंडिया का टाइम आ गया है। अगर आप देखिए ग्लोबल साइकिल बिना पिछले 8-10 साल के अंदर $35 trillion का नया मनी प्रिंट हुआ है, इस देश में सबसे ज्यादा जो जरूरत थी वो कैपिटल की जरूरत थी, बराबर ना, कि जो मैंने आपको बोला हाईवे नहीं है, कुछ भी करना है तो पैसा तो चाहिए ना पहले, और पानी तो वहीं बहेगा जहां ढलान होगा, तो पैसा तो वहीं आएगा जहां रिटर्न होंगे। तो ये जो ग्लोबल लिक्विडिटी है ना, इसकी वजह से इंडिया का जो एक कैपिटल डिफिशियंसी है मुझे लगता है वो भरेगा, एंड दैट विल एड टू अवर ग्रोथ। और दूसरा, जो दुनिया भर में जो परेशानी चल रही है ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, खास करके अगर चाइना में देखेंगे लास्ट 3-4 महीने में जो हो रहा है, कभी पावर क्राइसिस हो रही है, कभी एवरग्रैंडे हो रहा है, कभी यू नो सरकार खुद ही आके बोलती है कि नई टेक्नोलॉजी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, हम ये रिस्ट्रिक्शन डालेंगे वो रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। तो चाइना जो एक फेवरेट डेस्टिनेशन था वर्ल्ड के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, एंड प्लस अभी ये जो कोरोना हुआ ना सुनील जी, इसकी वजह से आई थिंक द वर्ल्ड विल लुक एट चाइना प्लस, यू कैन नॉट डिपेंड 100% ऑफ सप्लाई विथ एनी कंट्री, रिगार्डलेस इवन इफ दे आर द चीपेस्ट, स्टिल द वर्ल्ड विल लाइक टू डाइवर्सिफाई, एंड आई थिंक इंडिया विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस। तो ये मुझे लगता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट इंडिया के लिए तो है, जहां तक बाजार की, अभी लेकिन सर अभी तक तो जहां तक बाजार की बात है ना, तो हम लेट से 25,000 से 60,000 पे आए हैं इंडेक्स सेंसेक्स, 22,000-23,000 से 60,000, तो इम्पॉर्टेंट समझना क्या है, ये 60 का वापस कभी 25 हो सकता है, वो होगा क्रैश, या वापस 30 हो सकता है, या वापस 35 हो सकता है, वो मुझे नहीं लगता है, मार्केट का नेचर है। इसमें अननोन रीजन से, जो रीजन आपको और मुझे नहीं पता है, उसकी वजह से करेक्शन आएगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेक्शन एंड द क्रैश। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई डोंट सी अ क्रैश, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ करेक्शन, इट विल कम, बट इट विल बी टिपिकली लाइक अ बुल मार्केट करेक्शन, which will be very sharp, very swift. तो ये बुल जब भागता है ना, वो लोगों को चांस नहीं देता उसके ऊपर बैठने का, ये तो भागने वाला बुल है जो जल्दी से चांस नहीं देगा आपको बैठने का, आपको तो चांस दे भी नहीं रहा सर, वो लोग तो इंतजार करे जा रहे हैं, कब से कह रहे हैं थोड़ी करेक्शन आएगी तो हम लेंगे, करेक्शन आएगी तो, लेकिन वो लेने दे नहीं रहा। मान
खैर उस पर आऊंगा आगे सर। सर अब मैं थोड़ा सा ना एक थोड़ा साइकोलॉजिकल जो पॉइंट्स हैं आपसे, आप आए हैं आप यहाँ पर, आप इतने पुराने हैं इस बाजार के अंदर, कुछ उस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल जो है इस पर हम लोग बहुत सारी साइकोलॉजी की टॉक्स करते रहते हैं। तो सर आपने जब स्टार्ट किया था शुरू से, आप रिलायंस में थे, तो आपकी ऐसी कोई चीज लर्निंग आपकी इतने सालों बाद जो आपको आज लगता है कि अगर मैं उस समय ये करता तो मैं ठीक रहता? क्योंकि हर बार क्या होता है हम कुछ ऐसा सीखते हैं नया, यहाँ तो लाइफ में तो हर रोज सीखते हैं हम, तो आपको क्या लगता है उस समय आपने कोई ऐसी गलती की या आपकी क्या लर्निंग थी जिससे आज ये लोग फायदा उठा सकते हैं? सर उस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे अगर तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी गलतियां करी, एक दो नहीं बहुत सारी गलतियां करी, फिर भी उसमें से कोई एक दो ऐसी हाईलाइट करने के लिए। आई एम कमिंग सो बहुत सारी गलतियां करी और मैं आज भी अगर एकदम हार्ट टू हार्ट, क्योंकि आपने बोला ये चैनल में लोग आके हार्ट टू हार्ट बात करते हैं, आज भी अगर मैं आपको बोलूं कि स्टॉक मार्केट अगर मुझे 100 समझ में आना चाहिए तो कितना समझ में आता है, तो दैट नंबर में भी इन सिंगल डिजिट। सबके साथ यही स्टोरी है सर। तो मुझे लगता है कि अभी तो एक्चुअली एक बात बताओ, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता उनको लगता है 100% आ गया उनको समझ में, लेकिन जिनको एक्चुअल आ जाता है थोड़ा बहुत उनको लगता है हमें कुछ नहीं आया अभी तक, तो हमको बहुत अभी सीखना है आगे जाके। तो मुझे लगता है कि मेरी जो पहली लर्निंग है, चाहे आप उसको गलती बोलो या पहली लर्निंग है जिसको बोलो, कि हम स्टॉक मार्केट की अपॉर्चुनिटी को ना हमको बहुत अच्छी प्रकार से समझना है। यहाँ पे लोग क्या है, समुंदर है, आपको प्यास लगी हुई है कुएं में, आप एक बाल्टी पानी लेके आ गए प्यास बुझ गई, पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो कुआं है, वहां एक बाल्टी नहीं, एक ड्रम नहीं, एक टैंकर नहीं, कई टैंकर पानी है। तो जब हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे ना बहुत अच्छी प्रकार से, ये साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है बहुत बड़ा है यहाँ पे, जिसको मैं बोलता हूँ हाइज आर मच हायर देन व्हाट वी कैन एवर इमेजिन एंड लोज आर मच लोअर देन व्हाट वी कैन थिंक इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम। किसने सोचा होगा कि एक दुनिया की कंपनी गूगल या एप्पल इंडिया के साइज की हो जाएगी? आज $2.5 trillion का एक कंपनी का मार्केट कैप है, वो हमारी पूरी साइज का मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि अगर ये बात मुझे 30 साल पहले समझ में आ जाती या 20 जब मैंने चालू किया मेरा करियर, इवन रिलायंस में ये बात समझ में आ जाती, तो भाई साहब अगर मैंने सिर्फ उस समय जो डिवीज लैब मेरा मोस्ट फेवरेट का इन्वेस्टमेंट रहा है ऑफ ऑल टाइम, अगर उस समय मैंने सिर्फ 10 crore रुपया डाला होता डिवीज लैब में, जो उस समय भी मेरे पास पैसे थे या मैं बोरो कर सकता था या कुछ भी कर सकता था, वो 10 crore का आज 10,000 crore होता था, क्योंकि वो 1,000 गुना हुआ है। तो टू अंडरस्टैंड हाउ हाई इट कैन एंड देन टू बी प्रिपेयर्ड टू, जैसे हम जब मजा आता है ना भाई साहब झूले में जाते हैं तो उसमें मजा तो आता है, पर उसमें कितना बार लगता है ना कि भाई अब गए, कुछ हो जाएगा, राइट? तो ये तो झूला है, इसमें बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होंगे। तो ये जो जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इट विल टेक योर मैक्सिमम पेशेंस, दैट इज द सेकंड पॉइंट व्हिच आई वुड से। वन, यू अप्रिशिएट हाउ लार्ज द अपॉर्चुनिटी, सेकंड यू अप्रिशिएट कि भाई ये आसान नहीं है, इसमें बहुत कन्विक्शन चाहिए और इसमें बहुत प्रिपरेशन चाहिए, इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई भी नेचर की, चाहे वो चार्ट की हो, चाहे वो फंडामेंटल की हो, कुछ भी हो, आपका अपना जो मॉडल है, पर इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये मार्केट आपका बहुत पेशेंस ट्राई करेगा, बहुत बारी आपको उतारने की कोशिश करेगा, और वो सिर्फ कन्विक्शन है जो आपको सी थ्रू कर सकता है। आई एम वेरी प्राउड वी ओन 9% ऑफ डिविज लैब इन द फंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई एम श्योर इवन आई, मेरे को तो छोड़े भी म्यूचुअल फंड को छोड़े 8 साल हो गया, अभी भी मेरे ख्याल से उनके पोर्टफोलियो में डिवीज लाइफ के शेयर होंगे, होगा होगा। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट जी सर, दैट यू नो टू बी प्रिपेयर्ड टू बी एबल टू डू द वर्क विच यू वांट, यू नो, जैसे मैंने बोला लर्निंग बहुत है। थर्ड इज टू बी फ्लेक्सिबल। इन माय लाइफ
the only one rule is there are no rules. So I don't say ki I am a growth investor, I am a value investor, I am a momentum investor, or I will never do this, or I'll never do that. No. I think if there is an opportunity, I will go for it. The question is, how much do I risk? तो कहीं पे मैं 100 में 1 रुपया लगाऊंगा और कहीं पे 10 रुपया लगाऊंगा, बट आई वुड नॉट हैव एनी बायसेस. तो माय फर्स्ट मंत्र इज बी फ्लेक्सिबल टू इवैल्यूएट एवरीथिंग. अभी आपने मन बना लिया कमोडिटी स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता है, अरे भाई साहब पिछले एक साल में 10-10 गुना हो गया. पर मैंने अगर मन बना लिया कि मेरे को कमोडिटी नहीं लेने का, बिकॉज वो बहुत वॉलिटिली उठती है, बहुत फ्लक्चुएशन होता है, अरे मेरा काम यहाँ ज्ञान देने का नहीं है, मेरा काम पैसा कमाने का है. सर इसीलिए हम आप जैसे लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं जो कि एक्चुअली मेरी सोच से कहीं ना कहीं मैच करते हो. शंकर सर से पीछे बात हुई, समीर सर से बात हुई, आपसे बात हो रही है आज. मैं ऐसे लोगों को ही साथ में लाता हूँ जो हमारी सोच से, एक्चुअली में जो रियल सोच होनी चाहिए कि आपको क्या करना है किसी चीज से. आप मतलब बायस होके बैठे हैं. तो अगर कोई बायस होके बैठ जाएगा सिर्फ कि मेरे को यहाँ पे कभी जाना ही नहीं है इस जगह पे, वहां पर किस साइज की अपॉर्चुनिटी आ रही है जा रही है, हम उसको देख ही नहीं पाएंगे कभी. तो ये सर बिल्कुल सही बात है. लेकिन सर ये फेथ जो है वो फेथ लाएं कहाँ से? मतलब मैं हमेशा अपने जो लोग हैं साथ में जुड़े उनको ये बोलता हूँ कि पैसा जो है आपकी रिसर्च से नहीं बनता, पैसा आपकी स्टॉक सिलेक्शन से नहीं बनता, पैसा बनता है उस पर विश्वास के साथ. आपने भी सेम बात बोली. तो ये फेथ कैसे लाया जाए सर? ये फेथ आएगा कैसे? मतलब वो डीवीज लैब यहां पहुंच जाएगा उस दिन वो फेथ कैसे आएगा सर? भाई साहब इसमें देखो, एक तो अपने को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, विच आई एम ए फर्म बिलीवर, यू मे नॉट बिलीव, इसमें मुकद्दर का बड़ा रोल है, यू नो, आपके भाग्य का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है. पीछे देख के ना हमको लगता है कि रास्ता आसान था. जब कालबा देवी में आप जाते हो ना, तो मेट्रो के पास आके ही लगता है कि ये तो बहुत आसान रास्ता था, पर वो कालबा देवी में जब आप चलते हो ना, हजारों लोगों के बीच में गाड़ी निकाल के जानी होती है. वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर्डल तो मार्केट बहुत देगा, पर एक तो तकदीर है कि भाई हमारी आज तकदीर है ना कि हम इस समय बॉर्न हुए इंडिया में. अगर हम 40 साल पहले बॉर्न होते तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सब कैपेबिलिटी बैक पॉकेट में रह जाती है. बराबर ना? तो ये तो दैट इज वन थिंग. सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको फेथ आएगा ना कि आपका फर्म खुद का कन्विक्शन और ओपिनियन होना चाहिए. यू कैन नॉट गो एनीवेयर इन लाइफ विद बोरोड कन्विक्शन. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द पीपल. जैसे गैलीलियो गैलीली ने, उसको पत्थर से लोग मारते थे जब उसने बोला कि धरती गोल है. धरती गोल, बराबर ना? बिल्कुल. आदमी ने लाइट बनाया, वो 100 बार फेल हुआ था, बट उसका एक कन्विक्शन था कि नहीं मैं बना के रहूंगा यार. स्टॉक मार्केट वही है भाई साहब. आपको फाइनली कन्विक्शन होना पड़ेगा ना कि नहीं मैं राइट पाथ पे हूँ. अगर आपको बैंक में 5% ब्याज मिलता है और कोई कंपनी 1000 गुना हुई, अगर इतना ही आसान होगा तो सब लोग बैंक से पैसा निकाल के वो कंपनी में डाल देंगे ना. तो ये जो फेथ वाली आपने बात करी ना, बहुत कठिन है, पर इसमें फेथ आपको अपना मॉडल बनाना पड़ेगा. या आप फंडामेंटलिस्ट हो, या आप टेक्निकल वाले हो, या आपको साइकोलॉजिकल समझता है, या आपको बिहेवियर समझता है, जो भी कुछ समझता है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट 140 करोड़ लोगों में ये स्किल 5 लाख लोगों में हो सकती है, बिकॉज ये तो फुल टाइम जॉब है, राइट? तो फेथ उसके ऊपर होना जिसमें आप विश्वास कर रहे हो, उसके ऊपर भी फेथ होना बड़ी बात है. तो सबको नहीं, आप इस सुनील मिगलानी के ऊपर आप विश्वास करते हो कि भाई ये आदमी बोलता है ये सच्चा बोलता है और मैं इसकी बात पे अमल करूंगा, तो फिर आप अमल करो. वही प्रॉब्लम है सर, वो बीच में हिल जाते हैं ना, हम कहीं ना कहीं बीच में डोल जाते हैं. वो जो आपके वो झूला है ना, उस झूले में हम हिल जाते हैं बीच में. यही बात है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट. क्या वो जब अगर आपको रोलर कोस्टर में जाना है, ये तो रोलर कोस्टर है, तब आपको फेथ तो रखना पड़ेगा कि झूला मजबूत है. जब नीचे जा रहा है और जब दिल धड़क रहा है तो मजबूत रखना पड़ेगा कि ऊपर जाएगा ये वापस जाएगा. ठीक है सर. तो सर एक अब अगले उस पर चलते हैं.
सर ये लास्ट ईयर में हुआ जो आपके सामने कोविड का इतना बड़ा इशू हुआ, उस समय एक ही साइकोलॉजिकल उसमें जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपने अपने को किस ढंग से अपना हैंडल किया, उस समय आप क्या सोच रहे थे जब हम 7,500 के आसपास निफ्टी में खड़े हुए थे और लोग बोल रहे थे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बाहर सिनेरियो ऐसा था कि पूरा वर्ल्ड जो है इस तरह से था। हालांकि मैं अपने चैनल के ऊपर बताया हूँ आपको कि मैं हमेशा आके ये बात बोलता भी था उस समय कि कुछ नहीं होने वाला, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और उसके लिए अपने लोगों को सिखाने के लिए एक चीज़ बताता था मैं हर समय कि जैसे हम छोटे थे तो हमारे घर में लाइट जाती थी तो हमारे जो फादर कहते थे बाहर जाके देखो कि आपकी गई है कि सबकी गई है, तो जब हम बोलते थे सबकी लाइट गई है तो वो कहते कोई बात नहीं बैठ जाओ जल्दी आ जाएगी। मैं उनको बताया कि अगर सबकी लाइट गई है पूरे पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है ना सर ये, तो ये जल्दी ठीक होगी, ये मेरा विश्वास था उस दिन। अगर हमारी दिक्कत होती, खाली इंडिया की दिक्कत होती अगर, तो हो सकता है टाइम लग जाता, लेकिन अगर सभी फंसे हैं इसके अंदर तो सभी एक साथ कोशिश करेंगे और हम जल्दी निकलेंगे, मेरी ये सोच थी सर उस समय। आपने कैसे हैंडल किया सर उस चीज को, और आप उस समय क्या सोच रहे थे सर ये बताएं सर। बहुत अच्छी बात बोली सुनील जी, तो मेरी लाइफ तो खुली किताब है, तो मैंने तो 2019 में आप जाके मेरे टीवी इंट्रैक्शंस वेबिनार्स कर सकते हो, मैंने इतने वेबिनार किए उस समय क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है अल्टीमेटली भगवान ने हमको यहाँ भेजा है टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ, राइट, इसीलिए भगवान ने हमको इंसान बनाया ना, जानवर इसलिए नहीं बनाए दैट वी कैन टेक ऑफ अदर पीपल, राइट। तो मैं तो इतने वेबिनार किए उस समय मैंने, ऑल ऑफ देम वर वेरी क्लियर लाइक यू सेड एडवी, मेरे लाइफ में बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है सुनील जी, एवरी एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू लुक कहां पे है अपॉर्चुनिटी। तो वी वर वेरी कन्विंस, लेकिन सर उस समय के ऊपर क्या सोच, मतलब उसमें बाहर कैसे आए सर, साइकोलॉजिकली हाउ आई हैंडल, ऑब्वियसली सबका पोर्टफोलियो मरा, हमारे को भी बड़ी मार पड़ी बराबर ना, सबके पोर्टफोलियो नीचे हुए तो हमारे भी बाजार में है। तो मैंने सुनील जी उस समय थोड़ा लिखना चालू किया अबाउट माई पास्ट मिस्टेक्स, एक डायरी बनाई और लिखना चालू किया, और ये देखा कि मार्केट साइकिल में यू नो हाउ डू आई रिजुनुवेट माई सेल्फ, क्योंकि क्या उस समय अगर बाहर जाओ, बाहर नहीं जा सकते, लोगों को डर है मर जाऊंगा, कोरोना आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वन थिंग इज दैट यू कीप एनालाइजिंग दैट एंड द अदर थिंग इज वो होएगा जो होएगा यार, तो लिखवा के लाए जो हो जाएगा, पर नहीं तो अभी अपना काम तो करें। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रकार से मैं तो 13-14 घंटा लगा रहा पूरे कोरोना के टाइम पे, घर से काम किया, अपने पास्ट को कलेक्ट किया, और कुछ जहां जहां कन्विक्शन था, जैसे हमने हाईएस्ट कन्विक्शन जैसे लॉरस लैब का इन्वेस्टमेंट किया, तो यू नो जहां पे हमको लगा टेलविंड है उसको, उस सेक्टर को पकड़ा, उस कंपनीज को पकड़ा, और धीरे 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 करके फिर क्या है, जब आप किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चित हो ना, पूरी कायनात आपको हेल्प करती है, राइट। तो हम इतने दृढ़ निश्चित थे कि वो पूरी कायनात फिर पूरा बाजार ही सपोर्ट कर, बाजार ने ही सपोर्ट किया, और वो तो दिखने ही लग गया, और अब तो पूरी दुनिया को क्लियर है। तो इफ आई मे नॉट एग्जैजरेट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लर्निंग, दिस इज बीन द बेस्ट पीरियड फॉर माई लाइफ। आई एम नॉट लर्न this much when I was 21 year old or 25 year old. At the age of 51 years, I have learned maximum in last 1.5 years. क्योंकि बेफजूल की कोई मीटिंग नहीं हुई, बेफजूल का कोई ट्रैवल नहीं हुआ, बेफजूल का कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, one was very focused. So see, corona got a lot of sorrow and I sympathize with a lot of people who lost their family life is that. But the good part of this whole thing was that everyone had a time to internalize, to think about himself, to think about life ahead, and to implement few things which I would never done. I ended up spending a lot of time with my family, which I was always longing to. I spent time with my daughter, right? So daughters. So it was good. Overall, I think one has emerged far more stronger, whether it is financially or mentally, out of this pandemic. तो सर अब जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं इस बारे में सोचते हैं कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं, इतनी दूर आ गए हैं, 60,000 ये पहुँच गया है, 18,000 के आसपास निफ्टी पहुँच गई है,
तो सर बहुत सारे लोगों के सुनने में, मेरे को भी आता है, आपको भी आता होगा ऑब्वियसली, कि ये कोई बहुत बड़ा बबल जो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर आ गए हैं बहुत सारे, 4 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं और सारा पैसा ऐसे आ रहा है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सर ये बुल मार्केट है या बबल है, इसको हम क्या माने, आप इस बारे में क्या, क्योंकि देखो बाहर जो नॉइस है वो नॉइस चाहे कोई मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन अंदर से उसको दिल में ये जरूर है कि ये एक दिन गिरेगा जरूर और बहुत तेजी से गिरेगा। उसके मतलब अंदर से उसके फीलिंग ऐसी सी है सर, मैं एक्चुअली मैं ना साइकोलॉजिकल रीड करता हूँ चीजों को लोगों के साथ में, उनकी फीलिंग ऐसी है कि चला जा जितनी दूर जाता है कोई बात नहीं, गिरेगा तो तू जरूर, ये फीलिंग है सर। तो सर गिरेगा तो ये गिरेगा तो जरूर भाई साहब, वो तो जो उठता है वो गिरेगा ही जरूर, उसमें तो बराबर ना, पर नहीं, ये वो ज्यादा वाला क्रैश क्रैश वाला बोल रहे हैं, वो सकता है किसी दिन ये क्रैश भी होगा, अगर ये 60,000 का 2 लाख हो जाए अगर 4 साल के अंदर, तो फिर तो बड़ा क्रैश भी होगा बराबर ना। पर ये कब गिरेगा, तो मैं आपको एक साइकोलॉजी की स्टोरी बताता हूँ। 2002-03 में अपने को तो ज्यादा समझ नहीं, अपन तो देसी आदमी है, ज्यादा अपने को कुछ समझ नहीं है, ज्यादा अपन समझते भी नहीं है। तो उस समय क्या हुआ कि वो क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा, तो मेरे को कोई इकोनॉमिस्ट मिल गया, वो इकोनॉमिस्ट ने मेरे को समझा दिया कि $1 अगर क्रूड का भाव बढ़ता है तो इंडिया को कुछ $400-500 बिलियन का फर्क पड़ जाएगा, पूरे बहुत लंबा फर्क पड़ जाएगा बेसिकली, राइट। तो वो बहुत मंदी में आ गया, क्यों, इंडिया तो क्रूड डिपेंडेंट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 2003 से वो मंदी में बैठा था। और क्रूड का भाव जब उसने मुझे समझाया कि 40 का 50 हो गया, तब वो मंदी में आया। वो 50 वाला क्रूड हो गया 150 और 4000 वाला इंडेक्स हो गया 20,000, बराबर ना। तो हम बाजार जो है ना, इसको एक चीज को कोई आइसोलेशन में लेके बोल दे कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा, वो मार्केट इज नॉट मेड ऑफ वन थिंग। तो मुझे कोई क्रैश वेस उस टाइप का लगता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सेकंड, ये जो बबल की हम बात कर रहे हैं ना, लेट अस लुक एट द होल इंडेक्स, वेयर इज द बबल, द एंटायर। मैं लोगों की बात कर रहा हूं सर, मैं उसी का बबल नहीं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वेयर इज द बबल। Don't look at the absolute number of index and think on your mind. Bubble is when valuations go beyond affordable limit. Bubble was in 2001 in technology stocks. जब 100-200 की PE multiple हो गए थे. Bubble was in 2008 जब infrastructure companies, सब companies fashion हो गया. हर आदमी real estate developer बन गया. हर आदमी power producer बन गया. वो bubble बोलते हैं. अभी जो है बाजार में, अगर आप देखो एनालाइज करके मार्केट को, टेक अनवियर भाई साहब, पूरा डिस्क्लेमर पूरा रन कर लेना है, मतलब मेरा कोई इंटेंशन कोई शेयर खरीदवाने का कुछ नहीं, हम तो सिर्फ एग्जांपल के बारे में बात। सर बिल्कुल डिस्क्लेमर रन होगा सर। अभी भी ITC 200 पे, वो 8% इंडेक्स का है, राइट, 15 PE पे है ITC अभी भी। कहां पे PSU बैंक जो अपन ने बात करी, सब 5-5 PE पे, 1-2 साल आगे प्राइवेट सेक्टर बैंक पूरे अभी 10-12-15 PE पे मिल रहे हैं, बराबर ना। पावर यूटिलिटीज, आप ऑल ऑयल कंपनीज, HPCL BPCL सब 6-7-8-8 PE पे, तो ये 8-10 PE में थोड़ी बबल होता है। देर इज अ पार्ट ऑफ मार्केट विच माइट बी इन बबल और विच माइट बी इन एक्सट्रीम यूफोरिया, बट टोटल द मार्केट कैप ऑफ ऑल दैट, तो अगर आपका $3.6 trillion का मार्केट कैप है तो हो सकता है $100 billion के मार्केट कैप में बबल होगा, बट यू कांट से दैट इंटायर मार्केट इज इन बबल बिकॉज ऑफ दैट $100 billion। सर एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोग जो अभी अभी आए हैं, वो ये देख रहे हैं एक्चुअली ना, ये जो हो गया ना, ये थोड़ा फास्ट हो गया एक तो काफी, और दूसरा ये है कि वो रेफरेंस पॉइंट पकड़ रहे हैं, वो नीचे वाला जो हमने लो लगाए थे 70,000 के आसपास, 7500, वो लो के हिसाब से जब वो देखते हैं तो कहते हैं डबल हो गया ये सेंस हमारा जो इंडेक्स, तो वहां पर एक तो फास्ट हो गया है और दूसरा ये रेफरेंस पॉइंट पकड़ रहे हैं वो वाला। बीच में कोविड के चक्कर में जो फॉल आया है, अगर उसको हम हटा देते हैं तो अभी तक तो हम वहीं पे ही हैं, लगभग थोड़ा सा ऊपर 20-30% ऊपर है वहां से, कुछ ज्यादा ऊपर तो है नहीं। तो कोविड वाले फॉल को काउंट करने के बाद में ज्यादा लग रहा है,
और उनको ये लग रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये लग रहा है अभी कुछ ठीक तो हुआ नहीं है, इकॉनमी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, कोविड का चक्कर भी चल रहा है अभी हर जगह, और अभी इतना कुछ नहीं हुआ है कि मार्केट ऐसी क्यों चली जा रही है। प्रॉब्लम सर यहाँ पे आ रही है, वो बबल इसलिए जो दिमाग में चल रहे हैं। भैया मार्केट कोई आपके दरवाजे की घंटी नहीं है, जो घंटी बजे आप दरवाजा खोलोगे और आपको इतनी आसानी से पैसा बनाने दे देगा मार्केट। जैसे मैंने बोला कि 21 लाख करोड़ का टोटल बैंकों का धंधा है, जिसमें करीब 80-90 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, बिल्कुल, और वो 4% मिलता है। अगर इतना आसान होता शेयर बाजार में पैसा कमाना, या इतना सर्टन होता, तो कोई बेवकूफ है जो 4% ब्याज में पैसा रखेगा। तो ये जगह तो है कॉम्प्लेक्स, वो तो आपको पहले एडमिट करना पड़ेगा। अभी दूसरा है जो है ना, ये बफे है भाई साहब, बराबर। मैं बोल रहा हूँ मेरे को डायबिटीज है, और मीठा का एक सेक्शन भी है यहाँ पे, आपको डायबिटीज है तो मत खाओ ना मीठा, कोई जरूरी थोड़ी है। वहां पे फल फ्रूट भी पड़े हुए है, वहां पे सलाद भी पड़ा हुआ है, वहां पे नॉन कार्ब आइटम भी पड़े हुए, आप वो खा लो। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई स्टेज, कोई एक एक जगह पे या एक सेक्टर पे कोई बहुत बड़ा यू नो वैल्यूएशन हो गया है, हम मत जाओ ना वहां पे। बिल्कुल, जगह जहां पे नहीं है बबल, जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, वहां पे जाओ। क्योंकि जो इंडेक्स को देख के जो डर जाएगा वो जिंदगी भर डरता ही रहेगा। क्योंकि जब 30,000 हुआ तो 3,000 से तो 30,000 भी 10 गुना था। अपने लाइफ टाइम में मैंने तो 2004 में 3,000 का इंडेक्स सेंसेक्स देखा है, तो 30,000 भी 10 गुना था। Having said all this, जो हमने पहले बात बोली ना, कि मैं ये बिल्कुल बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मार्केट परपेंडिकुलर आगे ऊपर जाता ही रहेगा। कभी ये 60,000 का 50,000 हो सकता है, क्या 20% घट सकता है? इतना बढ़ने के बाद तो घट सकता है। द क्वेश्चन इज, देयर इज अ डिफरेंस जो मैंने लाइफ में लर्न किया है सुनील जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। रिस्क वो है जहां आप 90% लूज कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी आपका दोस्त है। दोस्त अगर आपने समझ लिया कि वॉलेटाइल है तो वो दोस्त है, उसमें आपको लेने की अपॉर्चुनिटी है। रिस्क है वो अपने को अवॉइड करना है। तो मुझे लगता है इस मार्केट में वॉलेटिलिटी है, इस मार्केट में बहुत बड़ी रिस्क नहीं है। एंड आई एम अगेन सेइंग, आई एम नॉट मेकिंग दिस स्टेटमेंट फॉर द होल मार्केट, आई एम नॉट मेकिंग दिस इंडेक्स। 60,000 से मुझे क्या लेना देना, मुझे मालूम है मेरे लाइफ टाइम में 1,20,000 भी होगा। तो मुझे, फॉर मी इट इज जस्ट ए नंबर। अगर कोई का भाव बढ़ रहा है, अरे अर्निंग बढ़ेगी और पी मल्टीपल बढ़ेगा तो भाव तो बढ़ेगा ही ना। तो अगर किसी कंपनी की अर्निंग कम होती जा रही है तो पी बढ़ते जा रहा है तो भाव बढ़ रहा है तो मुझे परेशानी है, पर अगर अर्निंग भी बढ़ रही है और पी भी बढ़ रहा है तो भाव बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस देश की भी ईपीएस बढ़ती जा रही है ना, ग्रोथ तो है ना, तो इंडेक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक रिस्क सर अफगानिस्तान वाला जो अभी इशू हुआ पीछे, अभी जो हम देख रहे हैं चाइना से यहाँ से कुछ मिलता होता रहता है, बीच में पाकिस्तान वाला, उस एंगल से कुछ रिस्क पा रहे हैं आप? कुछ जियोपॉलिटिकल इशू से कुछ नहीं पा रहे हैं अभी कुछ? तो क्या होएगा ना, एक तो मैं बोलूं चलो हो जाएगा तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रिस्क वाली बात आई ना अभी, तो फिर दिमाग में चलता रहता है, मैं मान रहा हूँ कि हो जाएगा तो मैं क्या करूँ। अभी अफगानिस्तान किसी दिन हमारे ऊपर अटैक करेगा तो मैं फिर वो अफगानिस्तान के बॉर्डर में जाके बैठ जाऊं कि भाई बता तू कब अटैक करेगा। तो देयर आर टू थिंग्स इन द मार्केट्स, ए थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, बी थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल और बियॉन्ड एनीवनस कंट्रोल। अब ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं है कि अफगानिस्तान वॉर करेगा कि नहीं करेगा, चाइना का क्या होगा। ये ग्लोबल बातों में पढ़ के यू कैन लूज रियल अपॉर्चुनिटी और रियल मनी। आपका काम है भाई साहब अच्छी कंपनियां, सस्ती सस्ती अच्छी कंपनियां खोजने का, जहां गवर्नेंस अच्छा है, जहां पे आप आपको यू नो इंडस्ट्री अच्छी है, एंटरप्रेन्योर अच्छा है। हमारा तो इतना छोटा सा काम है, हमको उतना ही दायरा है। मैं अफगानिस्तान के बारे में वरी नहीं करता हूँ, जब होएगा अफगानिस्तान उस दिन देख लेंगे।